नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया पीएचडी एडमिशन के लिए आईआईटी रुड़की से। काफ़ी सारी स्टूडेंट की यहाँ पर डिमांड आ रही थी कि सर आप आईआईटी पीएचडी एडमिशन पर भी वीडियो बनाएं, साथ ही साथ जो है आप नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो उसका भी आप जो है नोटिफिकेशन दें। तो ये जो है आईआईटी रुड़की में पीएचडी एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये जो है इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी जो है इस एडवर्टीजमेंट, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, अभी हम जो है यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यहाँ पर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जो है पीएचडी अवेलेबल है। ऑटोमन सेमेस्टर 2021-22 के लिए जो है यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है, और यहाँ पे जो है पीएचडी एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स जो है आमंत्रित किए गए हैं। तो लोकेशन, कैंपस लोकेशन जो है आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण डेट्स जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स में 14 अप्रैल को जो है ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, एंड लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल जो है 2021 है। तो काफ़ी कम समय जो है रहा है। तो आप यहाँ पर जो है 30 अप्रैल तक, अगर आप अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे केवल ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों ही तरह के जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है अगर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर्स, तो ये कैटेगरीज है जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री जो है कम से कम जो है 60%, अगर सीजीपीए है तो 6.5 ऑन ए 10-point स्केल, अदरवाइज अगर परसेंटेज में है तो 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जर्नल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 5% की छूट यहाँ पर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को दी गई है, ठीक है। तो ये है दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे नेट जो एग्ज़ाम है, UGC नेट, CSIR नेट या गेट जो है आपके पास जो है आपका यहाँ पे जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। गेट, GPAT, JRF, नेट स्कोर, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। और यहाँ पे जो है जिन कैंडिडेट्स ये गेट, GPAT, JRF एंड नेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, किन कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट इन ISERS और PISIRS और PISERS कैटेगरी में है, तो उनके लिए जो है गेट, GPAT, JRF और नेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदर कंडीशन दी हुई है, जिन कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री IIT से है और जिनका CGPA 8 एंड अबो है उनको जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा गेट, GPAT, JRF एंड नेट से। तो वो जो कैंडिडेट जिनका नेट, JRF, GPAT और गेट, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे CSIR नेट हो या JRF हो, दोनों ही तरह के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है नाउ यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसी है एंड क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे वन बाय वन में आप, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में भी है एंड साइंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं वन बाय वन आपको दिखा रहा हूँ। आप जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ठीक है। MA या मास्टर डिग्री इन साइंस एंड ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, 60% अंकों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है हाइड्रोलॉजी में भी है एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। सो ये है, एक इनका सहारनपुर कैंपस है जिसमें अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग है एंड सो यहाँ पे भी जो है ये सारे डिपार्टमेंट जो है रहेंगे। पेपर टेक्नोलॉजी है, ये सहारनपुर कैंपस में रहेंगे। पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग है एंड
नाउ हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 200 रुपीज़ है जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 100 रुपीज़ हैं SC ST एंड PW जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ अगर जो है आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या सेंटर्स में जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ीस उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप कोर्स की क्या फ़ीस रहने वाली है PhD के लिए वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो है ये डेट दी हुई है 30 अप्रैल से पहले आपको जो है यहाँ पर आवेदन करना है और ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये दिए हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ सिलेक्शन का प्रोसेस जो है क्या रहने वाला है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो प्योरली प्योरली जो है आपका मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, और ये जो है सिलेक्शन जो प्रक्रिया है चयन प्रक्रिया ये ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, नाउ जो भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा वो जो है कंसर्न डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर वो डेट्स जारी कर दी जाएगी और पोर्टल पर जो है अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए अगर इंटरव्यू होगा या रिटन एग्जाम होगा तो उसके लिए या टेस्ट होगा तो उसके लिए जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जो है ये अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो ये है। नाउ अब जो है हम यहाँ पर आपको मैं फ़ीस भी दिखा देता हूँ कि कितनी जो है यहाँ पर फ़ीस जो है आपको पूरी डिटेल जो है यहाँ पर मैं देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है ठीक है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं एंड ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, और मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे जो है आप कॉल करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। नाउ हम आप फ़ीस देख लेते हैं कि कितनी जो है फ़ीस रहेगी PhD जो स्टूडेंट है उनके लिए। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है IIT रुड़की की, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो मैं पढ़ रहा था वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़ीस आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ़ीस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की स्ट्रक्चर ऑफ फ़ीस चार्ज फॉर सेशन 2021 पेएबल फॉर PhD स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे जो है ग्रांट टोटल फॉर SC एंड ST के लिए इतनी रहेगी एंड ग्रांट टोटल फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 77,050 एंड ग्रांट टोटल फॉर जनरल OBC एंड QIP स्टाफ के लिए 54,550। तो जो है ये डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये दोनों ही जो मैं अपने फेसबुक पेज या अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप एंड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है यहाँ पर ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है फेलोशिप अवेलेबल रहती है अगर JRF कैंडिडेट्स हैं, IIT की खुद से जो है इंस्टीट्यूट की जो है खुद से यहाँ पर स्कॉलरशिप रहती है तो फेलोशिप रहती है तो उसकी भी जानकारी आप जो है ले सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू सो मच। सो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।